हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं कैसे हमें जो हेयर है हमारे, देखिए बिफोर में आप देख सकते हैं हमारे हेयर कितने मैसी हैं, उनको क्लीन कैसे करना है, उनको अगर आपको बैकग्राउंड जो रिमूव करना है उसका, वो हेयर से कैसे आप कट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए परफेक्ट एग्जांपल रहेगा कि इतना ज़्यादा मैसी हेयर अगर किसी शॉर्ट में हो तो आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें वर्कआउट करना है। इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसमें लिक्विफाई, जो हमारी जो शेप है, जो हमारा हेयर का जो स्टाइल है, आपको सबसे पहले फोकस करना है कि हेयर स्टाइल क्या है। आपको हेयर स्टाइल को, फेस को समझना होता है। लिक्विफाई में आप किसी भी आप अपने सब्जेक्ट का जो शेप है, चाहे वो उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसकी शेप चेंज करनी है, तो आप उसको कर सकते हो लिक्विफाई में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसको, ये लिक्विफाई में ये लग रहा था कि मुझे कुछ हद तक इसका जो बैक है, बैक शोल्डर है, ये थोड़ा सा इवन अनइवन था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे इसका इवन कर देना चाहिए। और ये है यहाँ से जो देखिए नेक, थोड़ी सी शेप इसकी बिगड़ी हुई है, यहाँ से मुझे इसको ठीक कर देना चाहिए। तो इसकी ओवरऑल एडिटिंग मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, जिसमें आपका मेनली टारगेट हमारा हेयर का है। स्किन रिटचिंग के लिए मैं आपको इसके बाद वाले ब्लॉग में लेके चलूंगा। अब आप देखिए इसके जो आपकी एक्चुअल जो हेयर की शेप है वो आपके सामने आ गई है, आपको आइडिया लग गया होगा। ये लिक्विफाई टूल है, सबसे बेस्ट टूल है ये आपको शेप चेंज करने के लिए। कभी कभी नाक पतली है या आईज थोड़ा छोटी है उसको ब्रॉड करना है, या मॉडल थोड़ा आपका हेल्दी है उसको स्लिम एंड ट्रिम करना है, तो वो सब चीज़ें लिक्विफाई से होती है। इसमें ऑटो का कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको खुद से मैन्युअली ही करना पड़ता है। आपके पास टूल है बट मैन्युअली आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा लिक्विफाई से क्या इफेक्ट आया है। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके जो एक्स्ट्रा हेयर है, जो हमारे एक्चुअल हेयर के जो टारगेट हेयर के ऊपर है, उसको कैसे करेक्ट करना है। हम चलते हैं तो आप देखिएगा, ये जैसे आपके ये छोटे छोटे ये एक्स्ट्रा हेयर है, ये आपके देखिए बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप इसको, ये स्पॉट हीलिंग टूल है, स्पॉट हीलिंग टूल, आप इस टूल से आप इसके ऊपर सिर्फ ड्रॉ करना है और वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा उसको। अभी आपको मैं इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो आपको समझ में आ गया कि जितने भी हमारे एक्स्ट्रा मैसी हेयर थे वो ऑलमोस्ट रिमूव हो चुके हैं। अब बात आती है कि हम इसमें जो क्लीन करेंगे, तो उससे पहले हमें कुछ हेयर को इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब आप ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, जब आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि हमने देखिए अभी ट्रांसपेरेंट लेयर पे हम कर रहे हैं। जब भी हमें लगेगा कि कुछ ज़्यादा या कम हमने किया है, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ भी आप करिए, एक नए लेयर पे किए, कोई भी आप अलग स्टेप कर रहे हैं,
तो आप एक नए लेयर सेलेक्ट कर लीजिए उसके लिए। तो यहाँ हमें ये फिल, ये एरिया हमें फिल करना है, क्योंकि हम इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते थे, तो हम इसको बिल्कुल हेयर के उस पर फिल करते हैं। जो डायरेक्शन है, अब जैसे मेरी, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको फिर भी एक और स्पॉट इसमें चीज़ें बता देता हूँ। ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है हेयर की इस साइड जा रही है, ये डायरेक्शन है हेयर की इस साइड जा रही है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो स्केचिंग कर रहे हैं हेयर की, उसी के अकॉर्डिंग करना है। आप यहाँ से लीजिएगा, सॉरी यहाँ से लीजिएगा, तो आप इसको इस साइड फिल कीजिए। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। हो सकता है कि जो मेरी टेक्निक है किसी और की टेक्निक से थोड़ा कम आपको पसंद आए, या किसी और की टेक्निक ज़्यादा पसंद आए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ कि फोटोशॉप के कि कोई फेक चीज़ लगे, मेरे को रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हम रखें इसको, फोटोग्राफ को। तो थोड़ी सी हमने यहाँ पे, अब आप देखिएगा दूर से, आपको दिखाता हूँ, अब आपको इसका इफ़ेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये यहाँ से फिल हो गए हैं, और जो हमारा बाद में जब हम इसको इसके एरिया को रिमूव करेंगे, जो वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, तो उसमें ये पैच अलग से नज़र नहीं आएगा। अब हम इसी को फिल कर रहे हैं अभी अभी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस स्पॉट पे थोड़ा और ज़्यादा है। जो हमारा टारगेट एरिया है वो जब रिमूव नहीं होगा, आई मीन ये जो वाइट पैचेस हैं जो मैं फिल कर रहा हूँ, ये बाद में आपको जब हम इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा और देखने में अच्छा लगेगा। लेयर में काम करने का यही बेनिफिट है कि आप जब चाहे इसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने आपने डायरेक्ट फोटोग्राफ पे कर दिया तब आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप थोड़ा सा, मैं सजेस्ट करूंगा कि हेयर के जो कलर हैं अभी, जैसे मैंने जितना भी किया है डार्क ब्राउन पे है, अभी मैं थोड़ा बीच बीच में ब्लैक पे जा रहा हूँ, मैंने ब्लैक कलर जो है सेलेक्ट किया ताकि वो नेचुरल लगे पूरा पार्ट। आप इसे आईब्रोज भी स्केच कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं आईब्रोज की, कहीं पे भी आपको लगता है कि हेयर आपको ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट है, या आपके किसी पार्ट में बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ कितना इफेक्ट आपको लगता है। अभी जो मुझे लग रहा है कि जैसे इसका क्लीन पूरा फोरहेड जो हेयर है, जो मैसी हेयर है वो क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद फिर से हमें कुछ स्केचिंग करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप इसमें पैचेस जो हैं वो भी मूव कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि आप ये एरिया में, मान लीजिए कि ये एरिया थोड़ा आपको पैची लग रहा है, तो आप इस एरिया में पैचेस को भी मूव कर सकते हैं। ये पैच टूल है, आप इसमें पैच टूल सेलेक्ट कीजिए, इस एरिया को छोटे छोटे पैच सेलेक्ट करेगा, ज़्यादा बड़ा पैच सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस छोटे से पैच को सेलेक्ट कीजिए और आप यहाँ से पैच को सेलेक्ट कीजिए और फिर इस एरिया के इस पैच को सेलेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जब हम काम करते हैं, जब हेयर शूट की बात आती है, अभी एक जैसे पोर्टफोलियो पिक्चर्स हैं, तो हम फिर भी मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता देता हूँ। और जैसे ये पैच है वाइट है, यहाँ पे पीछे से जो बैकग्राउंड है वो दिख रही है हेयर के पीछे से,
आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि पैचेस में, पैचेस के लिए प्रैक्टिस की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उससे ज़्यादा बेटर मैं आपको, अगर ये छोटा छोटा चीज़ें हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप देखें ये यहाँ पे कुछ पैचेस हैं, ये कुछ बड़ा पैच है यहाँ पे, तो हम इसको आराम से यहाँ से उठा के यहाँ से मूव कर सकते हैं, और इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसको हल्के हल्के से मूव करेगा तो आपका इजीली और फिर एकदम से मूव करेगा। अब आपका दूर से ये बिल्कुल इवन दिखेगा, और आप क्लोज भी करेंगे तब भी आपको इवन ही दिखेगा, बता नहीं पाएंगे। सीधा हम इसकी जो बैकग्राउंड कटिंग के बारे में, तो अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, बट वो बैकग्राउंड कटिंग के बाद ही करेंगे, अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है। एक बार हम इसका बैकग्राउंड जो है वो कट कर लें, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ये सारे लेयर मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा कि अगर आपको कभी भी अंडू करना होगा तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगा कि हेयर में कहीं और भी पैचेस हैं या हमने कुछ गलत कर दिया है तो उसको अंडू करना है, तो वो कैसे करें, तो मैक में जो सिस्टम होता है, कमांड ऑप्शन शिफ्ट प्लस ई, आप सारे लेयर को, जो जो लेयर की आपको एक फाइनल कॉपी चाहिए उन लेयर को सिलेक्ट करके कमांड शिफ्ट ऑप्शन प्लस ई आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो तीनों लेयर का एक फाइनल ऑप्शन हमारे पास लेयर है जो ऊपर आ जाएगा। इसके लिए हमने जो हमारी स्टार्टिंग के जो करेक्शन थी हेयर की, उसके लिए हमने एक ग्रुप बना लिया है और उसका नाम रख दिया हेयर। ग्रुप कैसे बनाते हैं, कमांड प्लस जी से हम ग्रुप बनाते हैं, जो जितने भी लेयर आपको उसमें ऐड ऑन करने ग्रुप में उसको सेलेक्ट करके कमांड प्लस जी आपका ग्रुप रेडी हो जाएगा, और उसको ग्रुप का नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिया हेयर नाम। सो नेक्स्ट आता है, और ये हमारी फाइनल इमेज है जो हेयर को में जो प्राइमरी हमने करेक्शन की है, उसके बाद हम आते हैं अब इसमें बोलते हैं हम इसकी जो बैकग्राउंड है वो कैसे कट करना है। हम इसका जो है लेयर कॉपी करते हैं और इन दोनों के बीच में हम एक सॉलिड लेयर बैकग्राउंड रख लेते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें हम चलिए स्किन टोन ही ले लेते हैं, लाइट स्किन टोन ले लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे, और हम ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम सिलेक्ट एंड मास्क करते हैं। सिलेक्ट एंड मास्क करते ही हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ कौन सी इमेज पे वर्क करना है, और आप इसको सिलेक्ट करके आप इस पर यहाँ पर आइए, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये पूरे लेयर को सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद हम इसकी देखिए आप जो भी इसमें ऑप्शन आते हैं, आप कलर बैकग्राउंड डालना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको आइडिया में ये प्रीव्यू मिल जाएगा आपको, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप हमारे लेयर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और उसके बाद अगर आपको ग्रे में चाहिए तो ग्रे में आपको ये सेलेक्ट कर लेगा पूरा का पूरे को। आपको वाइट लगाना है, बैकग्राउंड रिप्लेस करना है तो वाइट तो ऑलरेडी है तो हम वाइट तो नहीं लगाएंगे, हम इसका मास्किंग करते हैं, तो मास्किंग में देखते हैं कि हमारा क्या क्या एरिया पार्ट है वो सिलेक्ट हुआ है, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, तो आप ओनियन स्किन पे भी कर सकते हैं। आप ओनियन स्किन का आप इसको 100% ट्रांसपेरेंसी भी आएगा, तो आपकी जो पिछली बैकग्राउंड है वो दिखाएगा, और इसके आप जितना इसको पॉइंट को ट्रांसपेरेंसी को कम करेगा तो आपकी जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो दिखाएगा। तो हमने जो बैकग्राउंड सेलेक्ट की थी आप उस पर 100% पे देखिए, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि हमारी कहाँ कहाँ जो सिलेक्शन है वो हुई है। और उसके बाद अब इसके रेडियस को आप 2 पे रख दीजिए, रेडियस आपका 2 हो गया। अब आते हैं हम डिकंटेमिनेट कलर, इसको आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आके आप सेकेंड टूल जो होता है हमारा सिलेक्शन का, आप रेडियस का जो हमारा, आप इस टूल से इसके जो आउटर लाइन है, जो हेयर की आउटर लाइन है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारे हेयर हैं वो उसका जो वाइट जो बैकग्राउंड जो बीच में वाइट बैकग्राउंड जो मर्ज हो रखा है वो आपको अलग कर देगा, सिर्फ आपको उसको आउटर में ड्रॉ करना है, तो जो हमारा वाइट पार्ट है हेयर में, जो बैकग्राउंड का पार्ट है वो आपको अलग कर देगा। अभी आप देखिएगा आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट है। अब आप देखिएगा कहीं पे भी वाइट बैकग्राउंड है हमारी जो वो विजिबल नहीं है, हेयर में हम शॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा शार्प एज में हमारे रिमूव हो रहे हैं, थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहे हैं, बट इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास,
मैं आपको जैसे एक बार ये फाइनल हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसके एजेस हैं वो हमें फिर से ड्रॉ करने होंगे, तो अभी आप देख सकते हैं इसको हम फिर से फाइनल इमेज। लेयर मास्किंग में काम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही से होता है, हमें कहीं पर भी मिस्टेक है तो हम उसको जितना चाहे उतना अंडू कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए इसकी वापस से लिक्विफाई करते हैं, तो क्योंकि हम उसमें जिसकी मास्किंग कर रखी है उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, आप इसको लिक्विफाई करने के लिए आ जाइए। आप लिक्विफाई करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा चलेंगे इस पार्ट पर ताकि आपको क्लियर से नजर आए। मैं लिक्विफाई का अलग से टूल बना दूँ, सॉरी अलग से आपको लिक्विफाई में क्या क्या कर सकते हैं वो एक अलग से वीडियो बना दूँ आपको अपडेट कर दूँगा। जो ये आपने एक्स्ट्रा ड्रॉ किए थे उनको भी थोड़ा सा पुश कर दीजिए ताकि वो अलग से विजिबल ना लगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किए थे वो भी अलग से, आप इसका हेयर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कुछ होता है कि कभी कभी लगता है कि आपको हेयर यहाँ से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा बाउंसी चाहिए, आप वो कर सकते हो। आप जैसा चाहें यहाँ से थोड़ा कम चाहिए, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पफ बनाना चाहें तो थोड़ा सा इतना एज पर फोटोग्राफ जो फोटोग्राफ है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज दे सकते हैं।